कांग्रेस के वरिष्ठ नेता आशा कुमारी इस वक्त हमारे साथ फोनलाइन पर जुड़ी है। आशा जी, स्वागत है सूर्य समाचार पर आपका। नमस्कार जी। नमस्कार, आपकी पार्टी की तरफ से 46 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी गई है। इन उम्मीदवारों के नामों पर या कुछ नाराज लोगों की जो बात सामने आ रही है उस पर आपकी प्रतिक्रिया चाहेंगे। बहुत अच्छा चयन किया गया है जी, और ये चयन ऐसा है जी जिससे भारतीय जनता पार्टी की नींद उड़ चुकी है। और ये स्पष्ट है कि कांग्रेस पार्टी सरकार बनाने जा रही है। देखिए, एक बात है जी, भारतीय जनता पार्टी के पास ना नीति है, ना नियत है, ना नेता है जी। कांग्रेस पार्टी ने अपने जो उम्मीदवार उतारे हैं ये सब जुझारू हैं, जीतने की क्षमता रखते हैं। और पुरानी कहावत है, जो जीता वो सिकंदर जी। इसके अलावा आपको क्या लगता है कि कुछ लोगों की जिनकी टिकट कटी होगी उनकी नाराजगी कहीं ना कहीं पार्टी के लिए परेशानी बन सकती है? हमारे ब्यूरो चीफ अरुण जी भी हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। अरुण जी, आप सवाल पूछ सकते हैं। आशा कुमारी जी हमारे साथ फोन लाइन पर है। जी 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 आशा जी, देखिए पहली लिस्ट तो कांग्रेस ने आखिर देर सवेर जारी कर दी। बड़ा लंबा इंतजार कांग्रेस की इस लिस्ट का जरूर रहा है, लेकिन आपको लगता है कि ये जो अंतर्द्वंद बना हुआ है ये कांग्रेस के भीतर का एक डर जरूर दिखाई दे रहा है कि अगर सभी सीटों के नामों का जिक्र हो जाता, सभी नामों का खुलासा हो जाता तो ऐसे कई चेहरे जो नाराज हैं। देखिए, आप इंदु वर्मा को ठियोग में लेकर आई थी और माना ये जा रहा है वो दिल्ली रवाना हो गई है, कांग्रेस में आई थी और अब भाजपा में दोबारा जाना चाहती है। लखविंदर राणा के बारे में लगातार इस बात की चर्चा है कि वो कांग्रेस से भाजपा में गए और अब वो शायद कांग्रेस का दामन थामना चाहते हैं। तो ये जो कांग्रेस और भाजपा में जाने का खेल है, क्या ये राजनीतिक दलों का कांग्रेस को इस बात का डर था? और वो तस्वीर भी दिखाई दे रही है क्योंकि इंदु वर्मा दिल्ली की तरफ कूच कर गई, तो आपको लगता है ये डर ज्यादा बड़ा है और इसी वजह से बाकी चीजों का इंतजार भी कांग्रेस। देखिए, ये जो कांग्रेस के नेता पॉलिटिक्स ऑफ कन्वीनियंस की बात की जा रही है, इसमें कहीं भी जी जमीनी हालात है उनकी तो कोई चर्चा है नहीं। अब इन सब बातों को अगर हम देखें तो लोग इधर से उधर और उधर से इधर भाग रहे हैं। अपना ठीक है आशा जी, यानी आपका ये मानना है कि जो आपकी पार्टी के 46 उम्मीदवार हैं वो सभी जिताऊ उम्मीदवार हैं। बहुत शुक्रिया सूर्य समाचार से बातचीत के लिए।